हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली इस सीरीज़ में हम देखेंगे। ये स्पेशल सीरीज़ है आपकी HPTET के लिए। जो आपके हिंदी मीडियम वाले हैं वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हिंदी में इसका जो है मीनिंग आपको बता दूँगा। राइट, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस। तो ये आपने बताना है कि जो है बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है मल्टी इंटेलिजेंस का। तो ये दिया है हॉवर्ड गार्नर ने। ऑप्शन इसका ए आपका सही हो जाएगा। आपके पास अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज द मार्क्ड बाय इंटररिलेटेड प्रोसेस विच वन इज नॉट वन ऑफ देम। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका जो प्रोसेस कौन सा नहीं है, इंटररिलेटेड प्रोसेस इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये है आपका मोटिवेशन। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। Why do children differ in physical character, habit, attitude and family traits? तो आपने बताना है कि जो children है वो किस तरह से आकार में, उनके चरित्र में, उनकी आदतों में एक दूसरे की फैमिली से अलग है, तो किस तरह से ये होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से। तो इसका आपका सी सही हो जाएगा। वट इज़ मीन बाय सोशल इन्वायरमेंट। जो सोशल इन्वायरमेंट है उससे आपका क्या तात्पर्य है, पेरेंट्स एंड मेम्बर से है, रिलेटिव फ्रेंड्स एंड नेबर से है, या फिर टीचर एंड सोसाइटी से। जो आपका सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट में आपके ये सभी फैक्ट आएंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है ऑल द अबव, ये आपका सही हो जाएगा। वट कैन बी रीजन ऑफ स्टेमिंग। तो स्टेमिंग क्या होता है, स्टेमिंग होता है आपका हकलाना, तुतलाना। तो आपका जो है किसका एक कारण है, स्टेमिंग किसका एक कारण है, ये होता है आपका साइकोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ये किसका कारण होता है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल का। तो ऑप्शन इसमें सी आपका सही हो जाएगा। वट इज़ द पीरियोसिटी ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका जो पीरियड कितना होता है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 4 times in a year, हाफ ईयरली या मंथली या फिर ईयरली। तो ये होती है आपकी 4 times in a year। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक साल में कितनी बार होती है, तो ये आपकी 4 बार होती है। ए आपका सही हो जाएगा। हाउ मैनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वॉज सुजेस्टेड बाय हॉवर्ड गार्नर। जो हॉवर्ड गार्नर है उन्होंने कितनी तरह की जो इंटेलिजेंस की बात की है, कितने प्रकार की, तो उन्होंने की है 7 प्रकार की। ऑप्शन इसमें बी आपका सही हो जाएगा। वट इज़ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे। अकॉर्डिंग टू प्याजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है वो कितने से कितने वर्ष के मध्य होती है, तो प्याजे ने कहा था बर्थ टू 2 ईयर, यानी कि ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही हो जाएगा। एडोलोसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस स्ट्रेन स्टॉर्म एंड स्ट्रिक इज सेड बाय। तो जो आपकी किशोरावस्था है वो तूफान संघर्ष का काल है। तो ये किसने कहा था, ये एक स्टेटमेंट है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो रेगुलर देखी है उन सभी को पता होगा कि किशोरावस्था तूफान संघर्ष का काल है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपके स्टेनले हॉल ने। ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मेथड पसंद आ रहा हो। इंग्लिश में बेसिक दिया है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं हिंदी में आराम से समझा सकूँ। 3 dimensional ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड ने जो त्रियामी सिद्धांत दिया है, 3 dimension दिया है आपने, 3 dimension थ्योरी किसने दी है, तो ये दिए गिलफोर्ड ने। तो उसमें उन्होंने किस किस के बारे में बात की है, तो उन्होंने की है ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। तो ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे, आज के क्वेश्चन इतने ही, बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। कोई और सजेशन हो इस वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको कंटेंट हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में ही, तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।